भारत में कोरोना वायरस की देसी वैक्सीन बनाने का काम तो तेजी से चल ही रहा है। साथ ही रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन को लेकर भी भारत और रूस के बीच बातचीत चल रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि जहां तक स्पुतनिक वी वैक्सीन की बात है तो इसे लेकर भारत और रूस संपर्क में हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी राजेश भूषण ने बताया कि दोनों देशों के बीच शुरुआती सूचनाएं शेयर हो चुकी हैं। इस बीच सूत्रों ने जानकारी दी कि रूस ने स्पुतनिक वी वैक्सीन को बनाने और उसके तीसरे चरण के परीक्षण को भारत में करने के लिए नई दिल्ली से सहयोग मांगा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 11 अगस्त को कोरोना वायरस की वैक्सीन स्पुतनिक वी का ऐलान किया था। इसके साथ ही कोविड-19 के लिए वैक्सीन को मंजूरी देने वाला रूस दुनिया का पहला देश बन गया। रूस ने तब कहा था कि अगस्त के आखिर तक वैक्सीन को उतार दिया जाएगा। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने इस वैक्सीन के पहले बैच का उत्पादन भी कर लिया है। हालांकि रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी को लेकर विशेषज्ञों ने ये कहकर चिंता जताई है कि इसे बनाने में तय प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं किया गया है और यह असुरक्षित हो सकती है। रूस ने भारत से कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक वी को बनाने और भारत में उसके तीसरे चरण के परीक्षण के लिए सहयोग मांगा है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि कोविड-19 टीके से जुड़े राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह की 22 अगस्त को हुई पिछली बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई। स्पुतनिक वी वैक्सीन का विकास गमालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड एपिडेमोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी और रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड ने मिलकर किया है। इस वैक्सीन के बारे में सीमित डेटा को लेकर कई तबकों ने संदेह जाहिर किया है। सरकार के एक सूत्र ने कहा कि रूस सरकार ने भारत सरकार से कोविड-19 के टीके स्पुतनिक वी की मैन्युफैक्चरिंग और यहां इसके तीसरे चरण का परीक्षण करने के लिए सहयोग मांगा है। सूत्र ने कहा कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग और स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग से मामले को देखने के लिए कहा गया है। रूस सरकार के अधिकारियों ने स्पुतनिक वी के बारे में कुछ सूचना और डेटा शेयर किया है, जबकि टीके के प्रभाव और सुरक्षा से जुड़े अन्य डेटा का इंतजार किया जा रहा है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।